सो व्हाट्स अप गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों को ना फुल ऑयल पेंट की फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल सिखाने वाला हूँ, जिसमें गाइस आप अपने हेयर को भी ऑयल टाइप में कन्वर्ट करेंगे, साथ ही अपने फेस को व्हाइट एंड स्मूथ करेंगे। और जो भी गाइस ऑयल पेंट की फोटो एडिटिंग में किया जाता है वो सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जो भी भाई इस वीडियो को देख लेगा वो भी इस टाइप की एडिटिंग बेहद सिंपल तरीके से गाइस कर सकता है। और इस वीडियो को चलिए शुरू कर लेते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले गाइस मेरे सेकंड चैनल को आप लोग जाके सपोर्ट बनाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले आपको स्नैपशॉट ऐप को ओपन करके सिंपल से प्लस की आइकन पे गाइस आपको क्लिक करके ना आपको जिस भी फोटो को गाइस एडिट करना होगा उसे सिलेक्ट कर लेंगे। और फाइनली दोस्तों हम लोग इसी फोटो को एडिट करने वाले हैं, तो मैं इसे अपनी स्नैपशॉट ऐप में ओपन कर लिया हूँ। और गाइस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि वीडियो को आप एंड तक देखिएगा गाइस, आप सारी चीज़ें बहुत ही ईजी स्टेप में सीख जाएंगे। तो पेंसिल की आइकन पर गाइस आप क्लिक कर लीजिएगा ट्यून इमेज के ऑप्शन, और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को गाइस थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर लेंगे, और नीचे आके ना गाइस इसकी अम्बाइंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, अगर इतना कर लेंगे अम्बाइंस को हम लोग 40 के करीब गाइस रखेंगे, 41 रख देते हैं। और इसकी शैडो को गाइस हम लोग ऐसा इंक्रीज करके और हाइलाइट्स को डिक्रीज करके, और सिंपल गाइस ये सारी सेटिंग आप अपनी फोटो के अकॉर्डिंग करके सिंपल राइट क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आफ्टर बिफोर यहाँ से आप अपनी फोटो को देख ही सकते हैं। तो अगेन गाइस इसी पेंसिल की आइकन पे आपको क्लिक करना होगा और सेलेक्ट टू वाले पे गाइस आप क्लिक कर लीजिएगा, और सिंपल से आपको ना आपका स्किन जहाँ पे डार्क है सेलेक्ट करके ब्राइटनेस को गाइस इंक्रीज करके सिंपली नीचे आके इसकी सैचुएशन हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे। और गाइस ये प्रोसेस आप वहाँ कीजिएगा ना जहाँ जहाँ पे आपका स्किन जो है गाइस डार्क है, तो मैं फटाफट से गाइस कर लेता हूँ, आप लोग भी ऐसे सेम कर लीजिएगा। सिंपली गाइज यहाँ से हम लोग राइट क्लिक कर लेंगे, और राइट आप जैसे ही गाइज क्लिक करेंगे ना तो आफ्टर बिफोर यहाँ से आप अपनी फोटो को देख ही सकते हैं गाइज। अभी से फोटो कुछ इस टाइप से दिख रही है। तो क्या करेंगे गाइज, यही तक था हम लोग का स्नैपशॉट में काम था, तो ये काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो अगेन गाइज क्या करेंगे ना, इस फोटो को हम लोग लाइटरूम ऐप में लेकर चलेंगे। तो वहाँ पर ले जाने के लिए इस तीर के आइकन पर गाइज सिंपली क्लिक करके इस फोटो को गाइज यहाँ से हम लोग शेयर कर लेंगे अपनी ना लाइटरूम मोबाइल में। तो लाइटरूम मोबाइल में ये फोटो गाइज हम लोग का शेयर हो चुका है, तो ऊपर से आप स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पे लाइटरूम का एक नोटिफिकेशन गाइज देखने को मिलेगा। तो इस पर सिंपली गाइज आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सीधे लाइटरूम में लेकर चले आएगा। तो आने के बाद सिंपल से गाइज मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रीसेट का लिंक आप लोगों को दे दिया हूँ, तो सिंपली गाइज उस प्रीसेट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वन क्लिक में आप अपनी फोटो को ना ऑयल टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रीसेट को गाइज हम लोग लेके ना इसकी थ्री डॉट के आइकन पे क्लिक करके गाइज यहाँ से कॉपी सेटिंग करके सिंपल गाइज ना राइट क्लिक कर लेंगे, और अगेन गाइज अपनी जिस फोटो को हम लोगों ने शेयर किया है इस फोटो को लेंगे और इसकी भी थ्री डॉट के आइकन पे गाइज क्लिक करके और नीचे आके ना पेस्ट सेटिंग कर देंगे। और जैसे ही गाइज आप पेस्ट सेटिंग करेंगे ना तो देख ही सकते हैं आप लोगों की पूरी फोटो कुछ इस टाइप ही देखने को मिलेगी। तो गाइज क्या कर लेते हैं, इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे कलर्स वाले, अब फेस मिक्स टूल के ऑप्शंस पे जाएंगे और फेस वाले कलर को लेके ना इसकी ल्यूमिनेंस को हम लोग थोड़ा सा कम कर देंगे, ताकि हम लोग का फेस पे ज़्यादा ही लाइट हो गया था। तो ल्यूमिनेंस को गाइज इतना हम करके ना सिंपल यहाँ से ओके कर देंगे, और ओके अब जैसे ही गाइज क्लिक करेंगे तो वन क्लिक में देख सकते हैं हम लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से गाइज देखने को मिल गया है। तो गाइज इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं ना, अपनी जो है ना बैकग्राउंड को ब्लर करने वाले हैं। तो ब्लर करने के लिए बैकग्राउंड को सिंपल से क्या करेंगे गाइज, इस शेयर की आइकन पर क्लिक करके और सिंपली गाइज इस फोटो को यहाँ से हम लोग शेयर कर लेंगे अपनी अगेन ना गाइज क्या बोलते हैं स्नैपशॉट ऐप में, अगेन इस फोटो को हम लोगों ने शेयर कर लिया है। तो शेयर कर लेंगे गाइज, थोड़ा सा आप ध्यान देके यहाँ पे देखिएगा, आप सारी चीज़ें मैनुअली सीख जाएंगे। तो बैकग्राउंड को गाइज ब्लर करने के लिए मैं ऐसा टिप्स आपको बताऊंगा ना कि किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो इस पेंसिल की आइकन पे गाइज आप क्लिक करिएगा और यहाँ पे हीलिंग वाले ऑप्शंस पे गाइज आप क्लिक कर दीजिएगा, और हीलिंग वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करके ना आपको अपने बॉडी को ऐसा सिलेक्ट कर लीजिएगा जैसे मैं गाइज कर रहा हूँ। तो ऐसे आप भी गाइज फटाफट से सिलेक्ट कर लीजिएगा, और ऐसे गाइज आपको सिलेक्ट कर लेने के बाद ऐसे छोड़ के सिंपल राइट क्लिक कर देंगे,
और राइट आप जैसे ही गाइज क्लिक करेंगे ना तो थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ से आपका बॉडी पूरा हट जाएगा। तो अब देखिएगा गाइज मैजिक, यहाँ से पेंसिल की आइकन पे अगेन क्लिक करेंगे और ऐसे नीचे की ओर गाइज आएंगे और लेंस ब्लर के ऑप्शंस पे आपको क्लिक करके और ऐसे नीचे आके गाइज ना इसकी विंगनेट को हम लोग फुल्ली डिक्रीज करके इसे हम लोग ऐसे सिंपल नीचे लेकर चले आएंगे और इसकी ब्लर स्ट्रेंथ को गाइज हम लोग ऐसे इंक्रीज कर लेंगे, लगभग हम लोग ना +60 कर लेंगे और सिंपल यहाँ से राइट क्लिक कर लेंगे। और राइट आप जैसे ही गाइज क्लिक करेंगे ना तो देख सकते हैं हम लोग की फोटो कुछ इस टाइप से मिल जाएगी। तो सिंपल से क्या करेंगे गाइज, इस फोटो को ना बैकग्राउंड को फोटो को यहाँ से शेयर की आइकन पे क्लिक करके और जैसे ही आप शेयर के आइकन पे क्लिक करेंगे गाइज ना तो ये फोटो हम लोग की गैलरी में सेव हो जाएगी। तो गाइज सेव हो जाने के बाद सिंपल क्या करेंगे और इस ऊपर साइड में ना क्रॉस तीर के आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे व्यू एडिट के ऑप्शन और ना गाइज यहाँ पे ओरिजिनल पे हम लोग आके यहाँ से बैक हो जाएंगे और बैक होते ही गाइज फिर हम लोग इसी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो अगेन पेंसिल की आइकन क्लिक करके डबल एक्सपोजर के आइकन प्लस की आइकन पे गाइज आप क्लिक कर लीजिएगा और सिंपल से जिस फोटो को अभी हम लोगों ने शेयर किया है इसे लेके ना इसकी ऑपेसिटी वाले आइकन पे क्लिक करके इसकी ऑपेसिटी को 100 करके सिंपल राइट क्लिक कर देंगे और ऊपर साइड में ना क्रॉस तीर के आइकन क्लिक करेंगे व्यू एडिट के ऑप्शन और डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके यहाँ से ब्रश को ले लेंगे। और गाइज ब्रश को लेने के बाद इसकी साइज यहाँ से 100 हो जाएगी और फोटो को गाइज आप ऐसे जूम करके ना आपको अपने बैकग्राउंड पे बॉडी को छोड़ के गाइज ऐसे आपको अपने बैकग्राउंड पे इसे ऐसे ड्रॉ करना होगा। तो गाइज आप फटाफट से अपने पूरे बैकग्राउंड पे इसे ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं भी गाइज कर लेता हूँ। फिर आगे के प्रोसेस में गाइज मैं आपको ना आपको अपनी फेस को स्मूथ करने का ऐसा तरीका बताने वाला हूँ गाइज ना जो आज तक आप लोग को किसी ने नहीं बताया। बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपनी फेस को स्मूथ कर सकते हैं, तो वीडियो को गाइज आप देखते रहिएगा, काफ़ी कुछ इस वीडियो में आप सीखेंगे। और सिंपली गाइज जैसे ही आप अपने पूरे बैकग्राउंड पे इसे ड्रॉ करेंगे ना तो कुछ इस टाइप की आपकी बैकग्राउंड जो है दोस्तों ना बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लर हो जाएगी और फुल एचडी में गाइज ब्लर होगा। तो सिंपल यहाँ से राइट क्लिक करके आपको यहाँ से बैक हो जाना होगा और बैक होते ही गाइज देख सकते हम लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से हो चुकी है। तो अब बारी आती है गाइज आपको अपने फेस को स्मूथ करने का, तो बहुत ही सिंपल तरीके से गाइज आप अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं। तो कैसे करना है, इस पेंसिल शेयर की आइकन पे गाइज क्लिक करके और आपको ना इस फोटो को गाइज यहाँ से शेयर कर लेना है ऑटो डेस्क स्केच बुक में। तो सिंपली गाइज स्केच बुक में इस फोटो को हम लोगों ने शेयर कर लिया है और शेयर कर लेने के बाद अपनी फोटो को मैं ऐसे रोटेट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए। तो इस वाले ऑप्शन के टूल्स के आइकन पे गाइज आपको क्लिक करके और सिंपल ऐसे आपको ना नीचे आना होगा और इस मर्ज में आ जाने के बाद गाइज ना नीचे साइड से चौथे नंबर वाले ब्रश को लेके इसकी सेटिंग्स पे चले जाएंगे और सेम यही सेटिंग आप अपने ब्रश का गाइज रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिएगा और नीचे साइड में क्रॉस पे हम लोग क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद गाइज फोटो को ऐसे आप जूम कर लीजिएगा और नीचे साइड में डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ब्रश पे होल्ड करके गाइज अगर लेफ्ट राइट आप क्लिक करते हैं ना तो ये यहाँ से ब्रश की साइज को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना मैं रख रहा हूँ और सिंपल से गाइज आपको अपने स्किन पे ना इसे ऐसे ड्रॉ करना होगा। देख सकते हैं गाइज जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे ना तो आपका फेस जो है काफ़ी अच्छे से गाइज यहाँ से स्मूथ होगा। तो देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से फेस को हम लोगों ने स्मूथ कर रहा हूँ, आप भी ऐसे गाइज सिंपल से कर सकते हैं। तो फटाफट से गाइज मैं पूरे स्किन पे इसे स्मूथ करके फिर आगे का प्रोसेस गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे क्या आपको करना है। सो दोस्तों जैसे ही आप अपने पूरे फेस पे इस ब्रश को चलाएंगे ना तो आपका फेस कुछ इस साइड से स्मूथ हो जाएगा और काफ़ी सिंपल तरीके से गाइज स्मूथ हो जाएगा। तो सिंपली गाइज क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके शेयर की आइकन पे क्लिक करके सिंपल टू ना सेव टू डिवाइस क्लिक कर देंगे और हम लोग की ये फोटो गाइज ना गैलरी में सेव हो जाएगी। तो सिंपल से गाइज ये फोटो हम लोग की गैलरी में आ जाएगी। तो गैलरी में आने के बाद सिंपल से इस फोटो को गाइज हम लोग शेयर कर लेते हैं अपने टूलबीज ऐप में। तो सिंपल से गाइज ये फोटो हम लोग की टूलबीज में आ चुकी है। तो टूलबीज में आने के बाद सिंपल से आपको ना इफेक्ट के ऑप्शंस पे गाइज आके ना सॉफ्ट स्मर्च पे क्लिक कर देना होगा और ऐसे स्क्रॉल करके ना आपको इस यहाँ पे सिक्स वाले को सिलेक्ट करके और यहाँ पे मास्क वाले पे क्लिक करके गाइज पूरे को यहाँ से हम लोग क्लीन कर देंगे और ये अप्लाई पे ब्रश आ जाएगा। तो सिंपल से आपका जहाँ जहाँ पे हेयर है ना गाइज, बाल है, वहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको ब्रश को चला देना हो। जैसे ही गाइज आप चलाएंगे ना तो आपका देख सकते हैं हेयर ऑयल टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बियर्ड पे भी मैं चला लेता हूँ, ऐसे आप लोग भी गाइज चला लीजिएगा।
और चलाने के बाद अपने शर्ट पे भी गाइज मैं चला लेता हूँ। और जैसे ही गाइज आप चलाएंगे तो पूरी ऑल टू ऑल गाइज आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। तो सिंपल गाइज यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो ऑल टू ऑल देख सकते हैं गाइज आप कुछ इस टाइप की फोटो एडिट कर लिए हैं काफ़ी सिंपल तरीके से। आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अब फोटो को सेव करने के लिए इसी आइकन पर क्लिक कर देंगे और हम लोग की ये फोटो गैलरी में सेव हो जाएगी।